तो जनाब निहाल साहब, पाकिस्तान में अपना जॉइंट वेंचर शुरू करने का आपका ख्वाब पूरा होने का वक्त आ गया मुझे लगता है। आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। अच्छा पता है, इन मौसूफ की हमेशा जिद क्या रही कि जब बिजनेस शुरू करूंगा अपने बेटे को प्रोजेक्ट हेड बनाऊंगा। अरे भाई, इतने केपेबल भी हैं आपके बरखुरदार? नहीं, वो तो वक्त आने पर पता लगेगा आपको। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ये बात ही करना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। I'm just little caught up with work. Interesting. But you seem lost. I introduced myself 3 times. Shams Enterprises की owner हूँ मैं। Actually, I'm quite surprised कि आपने अपना introduction 3 बार मुझे करवाया है। That who you are. What's wrong? आप भूल तो नहीं जाती अपनी कही बातें? क्योंकि हर सेकंड बात तुम अपने फोन में बिजी हो जाते हो और मुझे इग्नोर करते हो। ऐसी बात नहीं है। I just had to send one email. कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। एक्चुअली क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं तो मुझे पता नहीं है कि क्या बात करनी चाहिए। सिंपल, हम अपनी फ्यूचर लाइफ डिस्कस कर सकते हैं। What future? You mean future business plans? No way. ये बिजनेस की बातें हम अपने डैड्स को हैंडल करने देते हैं। इस वक्त हम अपनी फ्यूचर लाइफ डिस्कस कर सकते हैं एज अ कपल। यू नो व्हाट? पहली बार मुझे पहली ही नजर में कोई इतना पसंद आया। I liked you. मैं तुम्हें कैसी लगी? Thank you very much, लेकिन हमारा कोई मैच नहीं है। We're not compatible. It's okay. क्योंकि शादी करके तुम मेरे घर आओगे, मैं तुम्हारे नहीं। I don't know what you think of yourself, लेकिन ना तो मैं कोई पपेट हूँ और ना ही कोई आपका खिलौना। I don't know आपको यहाँ पर क्या कहकर लाया गया है, लेकिन मेरा लाइफ प्लान, मेरा लाइफ पार्टनर आपसे बहुत डिफरेंट है। What do you mean? I'm sorry, but I'm already committed. What? Are you crazy? Let's go, Dad. What? I'm done talking with Hamza. Okay, beta. Kya baat hai? आप लोगों का बेटा अगर पहले से कमिटेड था तो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? क्या कह रही हो बेटा? He's already committed. He is committed? Yes, Dad. निहाल, ये क्या बात है? हम आपके साथ अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं, जॉइंट वेंचर बनाना चाहते हैं और आपका बेटा मेरी बेटी को इस तरीके से शर्मिंदा कर रहा है? I am so sorry, man. What sorry, यार? I don't understand, man. Please, let's go. चलिए baby. This is not fair. This is not fair, baby. चलिए हमसे से बात करें, चल के आइए। ये क्या किया तुमने? उनके सामने अपना मुंह नहीं बंद रख सकते थे? मैंने जब आप लोगों को कहा भी था कि मैं किसी फैमिली को नहीं मिलना चाहता, तो क्या जरूरत थी मिलवाने की?
आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी मर्जी कहाँ है, लेकिन फिर भी आपने इस फैमिली से मुझे मिलवा दिया। जो भी था तुमने अच्छा नहीं किया हमजा, उनको इनकार करके, वो भी उनके मुंह पर। तुम्हें पता है कि वो हमारी कंपनी खरीदने वाले थे, जो कि अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो अब समझा मैं, आप लोग अपना बिजनेस बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देना चाहते हैं। बेटे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर यू, तुम्हारे ब्राइटर फ्यूचर के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए। बाबा, मैं अपना फ्यूचर बना लूंगा, मैंने कभी आपसे पैसे मांगे? आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और वैसे भी मैं आपके बिजनेस पार्टनर की बेटी का गुलाम बन के नहीं रह सकता। आज तक जो तुम्हें ये ऐशो इशरत मिलती आ रही है, तो क्या ये तुम्हारी खुद की कमाई हुई है? मैं तो समझा था कि मेरा बेटा मेरी परेशानी को समझेगा, मेरा बोझ हल्का करेगा, लेकिन बेटा तूने तो आज मेरा सर झुका दिया शर्म से। बाबा, आपके लिए जान भी हासिल, लेकिन अपनी मोहब्बत पर किसी किस्म की तजारत मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा तो हमजा साहब, ये बताएं कि आपके पास क्या सलूशन है अपनी कंपनी को बचाने का? सलूशन एक ही है कि जो भी लोन इन्होंने बैंक से लिया उसे वापस करें। आज तक तो इन्होंने कोई वापस किया नहीं, अब अपने आप को डिफॉल्टर डिक्लेयर करना चाह रहे हैं ताकि लोन वापस ना करना पड़े। जहाँ तक मुझे याद है तो शम्स अंकल को आपने बहुत सारी फेवर्स इस तरह पास में दी हैं। आई गेट दिस टाइम फॉर द पे बैक। और बाबा, ना मैं बेवकूफ हूं ना ही बेवफा, याद रखिए। हमजा, बस करना, कहा था वो नहीं खोलेगी अभी। इतनी समझती क्यों नहीं अपनी लड़की को? क्या करूं मैं इन बच्चों का अम्मा, एक वो दानिश उस अमीरजादी पे पैसे उड़ाए जा रहा है और एक ये उस हमजा के पीछे अपनी जिंदगी की बिरान गति लगा रही है। अरे देख, तू मेरी बात सुन, वो जो है ना तेरा बेटा लड़का है ना, उसका क्या है, इंसाना जो है ना, उसकी मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। लेकिन अगर उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए ना तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी मुश्किल आ जाएगी हमारी। क्या करूं मैं उसने खफ्ती नाइला का, कैसे राम करूं उसे इसके लिए? सही कह रही, हमारे हाथ तो बंधे हैं बेचारे, क्या कर सकते हैं। मेरा तो रोम रोम इस नाइला को बददुआएं दे रहा है कमबख्तमारी को, क्या करूं? पान खिलाती है तुझे। इस नाइला कमबख्तमारी ने कैसे के कह दिया खान साहब में से शादी कर दूं मैं अपने बेटे, टीका पढ़ा दूं, अरे आग लगे उसको, उसके खान साहब को, सबको। आमीन आमीन सुम आमीन। से क्या अम्मा, देखो सरा, देख मेरी बात सुन, अंताई देख, तेरी जो बेटी है ना, तना वही बच्ची भी है, इसको बचपन से पहनने ओढ़ने का बड़ा शौक है, खाने पीने का भी बहुत शौक है। अच्छा अच्छा, तो बस वो जाती है हमजा के घर में, खुश हो जाती है वहाँ जाके, इसलिए कि उसको सारे चाव पूरे करने का, अपने सारे अरमान पूरे करने का वक्त मिल जाता है वहाँ पे। अब तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको कोई ऐसा लड़का दिलवा दे जो हमजा की तरह खूबसूरत हो, हैंडसम हो। वो इतनी दौलत है उसके पास, हमजा से भी ज़्यादा दौलत है, ढेर सारी गाड़ियाँ, 4-5-6 गाड़ियाँ और बड़ा महल जैसा घर, क्या ख्याल है, दुआएं मांगती रहती है। सनम मर जाएगी लेकिन
लेकिन हमजा को भुलाना या किसी और को उसकी जगह देना नामुमकिन है। कभी मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती, कभी भी नहीं।